हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो एमपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमने स्टेट मैप देख लिया था, हमने डिविजन्स देख लिए थे, तो और वो भी कंटिन्यू होता रहेगा। साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे एमपीपीएससी में जो पहले आ चुके हैं, और उनके डिटेल्ड सोल्यूशन भी देखेंगे कि उसका डिटेल्ड सोल्यूशन क्या है, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैच द कॉलम आया है कि एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया है आपको और टेंटेटिव प्रोडक्ट दे दिया है। ठीक है, टेंटेटिव प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, संभावित प्रोडक्ट, संभावित प्रोडक्ट, और डिस्ट्रिक्ट आपको इधर दे दिया है कि किस डिस्ट्रिक्ट का वो प्रोडक्ट है। देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा दिया है, बालाघाट, दूसरा बेटूल, तीसरा खारगोन और चौथा है नरसिंहपुर। बालाघाट, बेटूल, खारगोन और नरसिंहपुर, ठीक है। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट आपको दिया है। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। मैं एक बार मैप निकालता हूँ, देखिए मैप आपके सामने एक एमपी का स्टेट मैप दिख रहा होगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेंशनड है। तो पहला है बालाघाट, तो देखिए ये सबसे इधर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आपको मिलेगा, ये है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट मैप में आपको ये डिस्ट्रिक्ट देखिए, इधर है आपका छत्तीसगढ़, इधर है आपका छत्तीसगढ़ और ये है आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जस्ट इन दोनों के बॉर्डर को टच करता है बालाघाट, ध्यान रहेगा। दूसरा है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल देखिए कहाँ पे है, एक सेकेंड, बैतूल देखिए इधर ही नीचे आपको दिखेगा बैतूल, ये आप देख पा रहे हैं नीचे महाराष्ट्र का बॉर्डर कंप्लीटली टच कर रहा है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आप देखिए खारगोन, खारगोन भी आपको इधर ही महाराष्ट्र के साथ जो बॉर्डर टच कर रहा है ये है खारगोन। और लास्ट है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर आप ढूंढिए कहाँ है, नरसिंहपुर मिला जी हाँ बिल्कुल सही, ये बीचों बीच, एकदम बीचों बीच लैंड लॉक, किसी भी बॉर्डर से टच नहीं हो रहा है, ये हो गया आपका नरसिंहपुर। ठीक है, नरसिंहपुर अगर मैं बात करूं इनके आजू बाजू के जो पड़ोसी जिले हैं, इधर जबलपुर है, ऊपर दामोह है, सागर दामोह नॉर्थ से है, वेस्ट में रायसेन है, और साउथ में होशंगाबाद या नर्मदापुरम इसी का नाम है, और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद आपस में ये दोनों टच करते हैं, तो ये नरसिंहपुर को नीचे से साउथ से टच कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जिले हो गए। अब चलते हैं अपन वापस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि आपको मिल गया ये सारा डिस्ट्रिक्ट, अब इस पे कह रहा है टेंटेटिव प्रोडक्ट कौन से है। तो पहला है स्प्लिट पिजन टी, स्प्लिट पिजन टी क्या होता है, ये भी एक अपने आप में सवाल है। स्प्लिट पिजन टी होता है तुअर की जो दाल होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, तुअर की जो दाल होती है उसको बोलते हैं स्प्लिट पिजन टी। और दूसरा है जैगरी, जैगरी आप अच्छी तरह जानते होंगे, गुड़ को कहा जाता है, जैगरी जो है वो गुड़ को कहा जाता है। इसके बाद है चिली एंड चिली प्रोडक्ट, यानी मिर्ची और मिर्ची के उत्पाद, टीक उड जो होता है सागौन की लकड़ी है, ये सागौन की लकड़ी। और इसके बाद लास्ट में है कोदो कुटकी। ये कोदो कुटकी क्या होता है इसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए कोदो कुटकी जो है ये एक मोटा अनाज है, ठीक है, एक प्रकार का अनाज है। जनरली जो लोग इसको उपवास में खाते हैं, इसके चावल का आटा बना के जो भी, ठीक है, तो ये जनरली आदिवासी इलाकों में मोटा अनाज है और काफी प्रयोग में लाया जाता है कोदो कुटकी। ठीक, अब आंसर क्या होगा, देखिए आंसर है जो बालाघाट है, बालाघाट में कोदो कुटकी सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक,
इसके बाद दूसरा बैतूल को देखेंगे तो बैतूल में सैगौन की लकड़ी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और तीसरा खारगोन है तो खारगोन में हो जाएगा चिली और चिली प्रोडक्ट्स, और सबसे लास्ट में नरसिंहपुर तो आ जाएगा ए स्प्लिट पिजन यानी तुअर की दाल और जैगरी। ठीक है, कोदो कुटकी बाजरे की प्रजाति है एक तरह से, ठीक है। और इसका अगर वानस्पतिक नाम देखेंगे तो पासफ्लम स्क्रोबिली कुट्टम, इसका नाम क्या है? इसका नाम अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा, बोटेनिकल नेम की अगर मैं बात करूं तो इसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? ये भी पूछ सकता है, अगर यूज होता है तो साइंस का क्वेश्चन एक बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि ये आदिवासी इलाके में ज्यादा यूज होता है। पास पालम स्क्रोबी कुलेटम, ठीक है, क्लियर है। और चावल जिसे खाया जाता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मिलता है ये कोडो कुटकी जो है, ये कहाँ मिलता है? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और मेन टिम्बर स्पीसीज जो है बैतूल फॉरेस्ट का, देखिए बैतूल आप अगर एमपी का ये ज्योग्राफी पढ़े हैं तो बैतूल में आप पढ़े होंगे कि इसमें फॉरेस्ट पाया जाता है, और इस फॉरेस्ट का जो मेन ट्री है वो है कौन सा ट्री? टीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? टीक, क्लियर है। और चिली की बात मैंने ऑलरेडी कर दी है, जो चिली है, चिली या फिर चिली का प्रोडक्ट, अगर चिली मिलता है तो चिली का प्रोडक्ट भी मिलेगा। चिली जो है वो मेनली कहाँ मिलता है? और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप है। और कहाँ पे? खारगन में, खारगन। और ये सबसे ज्यादा कॉटन के बाद सबसे ज्यादा उपजाए जाने वाला कैश क्रॉप है, ठीक है, क्लियर है। और आप एक और बात जानते होंगे कि चिली जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा स्पाइस क्रॉप है, सबसे ज्यादा मसाले का, सबसे ज्यादा स्पाइस क्रॉप मतलब मसाले की खेती में सबसे ज्यादा चिली की खेती की जाती है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट का क्या सीन है एक बार देख लेते हैं, जिससे कि एक सेंस लग जाएगा क्वेश्चन करते हुए। कि देखिए मुख्य रूप से फसल की खेती दो मौसम मौसम में होती है, कौन कौन सी? एक होती है रवि में और दूसरी खरीफ, ठीक है, एक रवि में और एक खरीफ, दो ही सीजन होता है मेनली। इसके बाद जो होता है बीच में जायद, उसमें तो वाटरमेलन या फिर तो और भी जो मेलन्स होते हैं वो उपजाया जाता है। तो रवि रवि जो है वो कब होता है? अक्टूबर नवंबर। और खरीफ कब होता है? अप्रैल मई। मैं कटाई की बात कर रहा हूं कि कब इसकी कटाई होती है मेनली, ठीक है। तो रबी की प्रमुख फसलें अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी है? गेहूं है, मटर है। मटर यानी मटर मतलब क्या हुआ? देखिए गेहूं हो गया, मटर हो गया, मटर मतलब ये दाल ही तो हुआ एक तरह से दाल, इसमें आप विभिन्न प्रकार की दालें यूज कर सकते हैं, अलसी है, तो ये सारी फसल है, ठीक है। और खरीफ की बात करो तो धान हो गया, धान ज्वार, तो ये सारी फसलें हो गई, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में अकेले नरसिंहपुर में जो है, नरसिंहपुर में 80% गन्ना का खेती होता है, 80% गन्ना का खेती होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि सिर्फ मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है गन्ने की खेती होती है 80%। तो अगर गन्ने की होती है तो जैगरी मतलब गुड़ जो है वो कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? बिल्कुल सही, कहाँ मिलेगा ये जैगरी जो है वो भी कहाँ मिलेगा? नरसिंहपुर में मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लगभग अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक चीज समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, अगर एक से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो रहेगा, अगर एक या दो या तीन जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे ऐसे ही अपन करते चले जाएंगे जितने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
चलिए, थैंक यू।